किडनी में कौन सा आहार लेना चाहिए और कौन सा आहार छोड़ना चाहिए, मैं इसके ऊपर चर्चा करने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो किडनी को जो डैमेज करते हैं वो डैमेजिंग आहार को सबसे पहले बंद करें। तो सबसे पहले क्या बंद करना है, जितने भी दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर एनके शर्मा द अवेकनिंग कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों मैंने पहले के वीडियो में मैंने माइंड का किडनी के ठीक करने में क्या रोल है उसके ऊपर चर्चा की थी। अगर आपने उसको नहीं देखा तो वो पहले देखें, उसके बाद इस वीडियो का लाभ उठाएंगे आप, नहीं तो फिर आप ज्यादा लाभ नहीं उठा पाएंगे। इसलिए मैं जितनी सीरीज यहाँ पे बताया जा रहा हूँ उसको अच्छी तरह से सुनिए और उसके ऊपर काम करना शुरू कीजिएगा। अब इस वीडियो में मैं किडनी में कौन सा आहार लेना चाहिए और कौन सा आहार छोड़ना चाहिए, मैं इसके ऊपर चर्चा करने जा रहा हूँ, उनको जरा आप ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो किडनी को जो डैमेज करते हैं वो डैमेजिंग आहार को सबसे पहले बंद करें। तो सबसे पहले क्या बंद करना है, जितने भी प्रोटीन्स हैं, जितने भी प्रोटीन, अब प्रोटीन किसको कहते हैं, जैसे जितने भी प्रकार के मांसाहार में जैसे नॉनवेज है, अंडे हैं और मछली है, पनीर है, चीज है और सोयाबीन है, दालें हैं और भुनी हुई मूंगफली है, भुने हुए काजू है, यानी तो कई तरह के जो लस्सी है या और भी कोई प्रकार के प्रोटीन ड्रिंक्स हैं, ये जितने भी प्रोटीन है ये सब आपको इमीडिएटली आपको बंद करने हैं, ठीक है। मैं प्रोटीन का आपको तरीका बताऊंगा कि कैसे लेना है, ठीक है। और दूसरा, जितनी प्रकार की आप दालें इस्तेमाल करते हैं, जैसे छोले हैं, राजमा है, उड़द है, बेसन है, अरहर की दाल है, ये सब दालें बिल्कुल बंद करना है। और जितने आप टॉक्सिक बेवरेजेस यानी कि जिससे शरीर में सिर्फ जहर पैदा होता है, अमृत नहीं, जैसे चाय है, कॉफी है, अल्कोहल है, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, पेप्सी, लिमका, सोडा, पैकेट जूस, टीन्ड, कैंड, ये जितने भी प्रकार के अगर आप कोई जूसेस यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं उनको भी बंद करें। और तीसरे नंबर पर दोस्तों, आप जितने प्रकार के चटनी और सॉसेस और पिकल्स यूज करते हैं उनको भी, पिकल्स यानी कि अचार, अब उनको भी बंद करें। तो जनरली दोस्तों हम इसमें किस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, टोमेटो केचप इस्तेमाल करते हैं, मेयोनीज इस्तेमाल करते हैं या और कई प्रकार के सेजवान सॉस ने, ये सॉस ने, तरह तरह की सॉस ने या अचार, क्योंकि इसमें नमक की मात्रा और कई तरह के प्रिजर्वेटिव्स और सिट्रिक एसिड्स और कई तरह के केमिकल्स की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इनका इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। और उसके आगे जितने प्रकार के जो नमक हैं, जो खास करके रिफाइंड सॉल्ट है, चाहे वो आयोडाइज्ड सॉल्ट है, तो भी बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। और आपको इसके अलावा रिफाइंड और प्रोसेस्ड ग्रेन जो होते हैं, जैसे बेकरी प्रोडक्ट है, मैदा है या कोई केक है, पेस्ट्रीज है, कॉर्न फ्लैक्स है, कॉर्न स्टार्चेस है या पिज्ज़ा है, यानी तो वर्मिसिली यानी कि वो जो सेविया जिसको हम कहते हैं, यानी तो स्पागेटी है, तो ये सारी चीज़ें भी इसके अंदर आपको इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करनी है, यानी कि रिफाइंड मैदा टोटली बैन है। और जितने प्रकार की आप मिठाइयाँ और नमकीन वगैरह खाते हैं उनको भी टोटली बंद करना है। और जितनी प्रकार की खटाइयाँ हैं वो खटाई भी आपको बंद करनी है, जैसे अमचूर है, कोकम है, नींबू भी है, या कई प्रकार के जो खट्टे फल होते हैं, जो थोड़े खट्टे ज़्यादा होते हैं, उन सारे खट्टे फलों को भी आपको रोकना है। और इसके अलावा दोस्तों जितने प्रकार के आप घी, मक्खन, तेल भी इस्तेमाल करते हैं ना, उसमें सारे रिफाइंड ऑयल तुरंत बंद करें, जैसे पाम ऑयल, कॉटन सीड ऑयल, ये सिर्फ जितने भी रिफाइंड ऑयल्स हैं उन सबको बंद करें। पास्टराइज्ड बटर अगर आप खाते हैं तो उसको बंद करें। बात मैं फिर बताऊंगा कि आपको किस प्रकार के ऑयल फैट को यूज़ करना है। और उसके बाद में गेहूँ से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं ना, वो अभी फिलहाल कुछ दिनों तक उसको बंद करके रखें। इस तरह से ये आपका हो गया आहार से संबंधित चीजें। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपने ये निषेध करना है। अच्छा एक चीज मैं और बताना भूल गया,
कि क्योंकि दवाएं चाहे दुनिया की कोई भी दवा हो, आयुर्वेदिक भी हो कि एलोपैथिक भी हो, दोस्तों दवाएं कोई शरीर का भोजन नहीं है। दवाएं कोई शरीर बड़े प्यार से स्वीकार नहीं करती। दवाएं 2-4 दिन 8 दिन के लिए तो ठीक रिलीफ के लिए, लेकिन अब बाद में वही चीजें हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक बनने लग जाती है। इसलिए रिलीफ के लिए 10-15 दिन खाना है तो खा लें, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में जितनी भी दवाएं ले रहे हैं वो सारी दवाएं धीरे धीरे उसको बंद कर दें और दवाओं से पूरी तरह मुक्त हो जाएं, क्योंकि वो भी आपके किडनी को डैमेज करती है। क्योंकि कोई भी दवा केमिकल जब बॉडी में जाता है ना तो आपके लीवर और किडनी को इन्वॉल्व होना ही पड़ता है। क्या चीजें इसमें आहार में खाया जाए थोड़ा मैं आपको क्लियरली समझा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले आप सभी प्रकार के आप फल खा सकते हैं। अब यहाँ पे आपने अनुभव क्या होगा कि मेडिकल डॉक्टर जनरली आपको फल खाने के लिए मना करते हैं और यहाँ कुछ फल ही आपको देते हैं। तो कारण क्या है? क्योंकि वो कहते हैं कि इसके अंदर पोटाशियम होता है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि कोई भी फल में पोटाशियम जो होता है वो एक्स्ट्रा रिलीज करने के लिए नहीं होता कि जिससे तुम्हारा पोटेशियम बढ़ जाएगा। दोस्तों पोटेशियम बढ़ने के दूसरे तुम्हारे जो डेफिशिएंट और रिफाइंड फूड जो तुम खाते हो ना उसके कारण उसका डेवलपमेंट होता है। फलों में जो पोटेशियम होता है ना वो उसके फल के अंदर जो दूसरे केमिकल होते हैं उनके साथ उनको कंबाइन करके डाइजेशन करने के लिए होते हैं, वो अलग से रिलीज होने के लिए नहीं होते। तो इसलिए कभी भी ध्यान में रखना कि नेचुरल जो रॉ होलसम जो फ्रूट है वो कभी शरीर में पोटेशियम नहीं बढ़ाता, और बढ़ता भी है मान लो थोड़ा, क्योंकि पोटेशियम फूड है, अगर थोड़ा बढ़ता भी तो डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फल जो है बॉडी में जाकर इतना सब कुछ चेंज ला रहे होते हैं और अल्कलाइनिटी विटामिन से, अपने मिनरल से, अपने फाइबर से, कि धीरे धीरे तुम्हारी किडनी में परिवर्तन ही आ रहा होता है। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी खुद की रिकवरी मैंने मैक्सिमम फलाहार पे रहकर की है, और मेरे हजारों हजारों मरीज इन 40 सालों में मैंने किडनी के जितने मरीजों पे काम किया ना उन सबको मैंने दिल खोलकर जी भर के मैंने उनको फल खिलाया है और वो लोग ठीक हुए हैं। और अगर ठीक न भी हुए ना, अगर बहुत ज्यादा डैमेज हो गई तो वो लंबी आयु को उन्होंने प्राप्त किया एक कंफर्टेबल जीवन के साथ। तो इसलिए दोस्तों अब फल जो है, जितने प्रकार के मीठे फल है, जो सीजनल फल है, उनका दिल खोल के इस्तेमाल करें। मैं अभी यहाँ पे नाम नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा नहीं तो। और इवन आप सूखे फल भी खा सकते हैं, जैसे किशमिश है, खजूर है, अंजीर है, मुनक्का है, प्रूनस है, सुल्ताना है, इस तरह के जो भी आपके अवेलेबल है उनको भी भिगो कर आप उनका पानी पी सकते हैं और उनको खा सकते हैं। एक बात ध्यान रखना दोस्तों कि फल जब भी खाने हैं तो फल एज ए सेपरेट मील की तरह अलग ही खाना, और जितनी भूख है उतना खाना, चाहे 100 ग्राम खाना के 1 किलो खाना, ये तुम्हारी अपनी भूख के ऊपर छोड़। और दूसरा जो है दोस्तों, आपको सैलेड्स, जितने प्रकार के नेचुरल जो सैलेड्स हैं, यानी कि जो कच्चे खाने योग्य जो सब्जियां होती है, वो सारे सैलेड आप तरह तरह की वैरायटी बनाकर खाएं, और उसके साथ में आप स्टीम सब्जियां जो होती है, यानी कि स्टीम्ड, बेक्ड या बॉइल्ड या जो भी, तो ऐसी सब्जियों को जो है आप उसके साथ में आप ले सकते हैं। सिर्फ 3 सब्जियां आपको अपने इन सब्जियों के कैटेगरी में नहीं यूज करना है। एक तो पालक कभी उबाल के नहीं खाना, उसका कच्चा रस पी सकते हो लेकिन उबाल के नहीं खा सकते, क्योंकि उसमें ऑक्सलिक एसिड ऑक्सलेट में कन्वर्ट कर जाती है। और टमाटर जो है उसमें भी ऑक्सलिक एसिड होती है, और सरसों के साग में भी ऑक्सलिक एसिड होती है। तो सरसों का साग और पालक का साग और टमाटर से बनी हुई कोई भी चीज अपने खाने में बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी है। अब इन सब्जियों को कैसे आपको इस्तेमाल करना है, सिर्फ 1 चम्मच सरसों का तेल या घर का घी, या फिर कोई कोल्ड प्रेस्ड ऑयल, अगर तिल का तेल या मूंगफली का तेल अगर आप इस्तेमाल करते हैं, या ऑलिव ऑयल है जो कि रिफाइंड नहीं है, तो उसके अंदर 1 चम्मच में आप छोंक मारकर आप उसके अंदर स्वाद क्रिएट कर सकते हैं। और उस सब्जी के अंदर
आप जितने तरह के मसाले हैं, हल्दी है, धनिया है, या हल्का सा गर्म मसाला है, हल्की सी मिर्च है, आप उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और नमक में आप सेंधा नमक या काला नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से सलाद सब्जी के साथ में आप तरह तरह की ग्रीन चटनियां वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपके स्वाद को थोड़ा और बढ़ा सकें। अब इसके साथ आपको ऐसे कार्बोहाइड्रेट आपको लेना है कि जो शरीर में जाकर जल्दी पच जाए और उसकी गंदगी या वेस्टेज ना बने, क्योंकि जितनी ज्यादा गंदगी और वेस्टेज बनेगा उतना तुम्हारा क्रिएटिनिन और ब्लड यूरिया जो है हाई होगा। तो इसीलिए आपको ऐसे नेचुरल कार्बोहाइड्रेट खाना चाहिए जो बॉडी के लिए अल्कलाइन है, एसिडिक नहीं है। याद रखना, जितने अन्न दालें नॉनवेज जो होता ना, दूध पनीर, ये सब एसिडिक आहार होते हैं, इनका एसिड वेस्टेज आपके किडनी को और डैमेज करता है। तो इसीलिए अब हम इसमें क्या खा सकते हैं, अब प्रोटीन के मामले में 1 इंच लंबे अंकुरित मूंग मोठ चने खा सकते हैं। 1 इंच लंबे क्यों? क्योंकि 1 इंच लंबा करने से अब वो सब्जी में कन्वर्ट हो गया, यानी कि जो अंकुरित दाल का प्रोटीन 18-20% था या 15% था, वो प्रोटीन घटकर सुपाच्य अवस्था में आकर सुपाच्य एमिनो एसिड में कन्वर्ट करके उसका प्रोटीन 1-3% के बीच में आ गया। इसीलिए ऐसा जो अंकुरित दालों का जो प्रोटीन होता है ना, वो आपको कभी तंग नहीं करेगा। अच्छा, और इसके अलावा आप जितने जो नेचुरल जो नट्स होते हैं ना, देखिए नेचुरल नट्स जब सूख जाते हैं तो कॉन्सेंट्रेटेड प्रोटीन बन जाते हैं, लेकिन जब वो ताजी अवस्था में आ जाते हैं भीग कर, तो फिर उनका प्रोटीन जो है वो सुपाच्य बन जाता है, वो यूरिक एसिड भी पैदा नहीं करता ब्लड के अंदर। तो ऐसे ताजा नारियल की गरी है, भीगे हुए बादाम है, या भीगे हुए अखरोट है, भीगी हुई मूंगफली है, तो इनका आपने देखा होगा कि जब आप इनका दूध बनाते हो तो आपके हाथों में जरा सा भी चर्बी नहीं आती, और ये नॉर्मल प्रोटीन जो हम खाते हैं उससे बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं। तो आपको प्रोटीन के मामले में तो आपने क्या किया कि इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल किया, जैसे आप बादाम का दूध भी बना सकते हैं, आप कोकोनट मिल्क भी बना सकते हैं, और यानी तो एज इट इज भी आप सलाद सब्जी में डालकर खा सकते हैं। इसी से आपको पेट भरना है, क्योंकि आपके खाने में रोटी चावल दाल नहीं है, ध्यान रखना। और इसके बाद अगर आपको कार्बोहाइड्रेट लेना है तो कार्बोहाइड्रेट में आपको क्या लेना है, भुने हुए, उबले हुए, यानी तो स्टीम्ड किए हुए आलू, यानी कि आप आलू जो है उसकी कोई भी तरह तरह की वैरायटी बना लें, लेकिन उसको तलना नहीं है, बस एक बात को ध्यान में रखना है। बाकी आप आलू को जैसे चाहे खा लें, चाहे टिक्की के रूप में खा लें, चाहे और किसी रूप में खा लें, आपको मजा आएगा खाकर। तो आलू जो है ना, एक टोटल रोटी की जगह पर एक अपने आप में पूर्ण स्टार्ची फूड है, और या नहीं तो फिर आप शकरकंद खा सकते हैं, और शकरकंद भी इसी तरह भूनकर या रोस्ट करके। और इसके अलावा आप जो भुट्टे होते हैं ना, ताज़ा अनाज जो होता है ना, उसका प्रोटीन बहुत लो होता है। जैसे भुट्टे अगर ताजी अवस्था में हैं तो भुट्टे को उबालकर या अच्छी तरह सेक कर, उनको अच्छी तरह मुंह में चबाकर आप जब खाते हैं, तो उसका प्रोटीन जो है वो बॉडी को तंग नहीं करता। तो आप भुट्टे के दाने भी खा सकते हैं, और हरे मटर और हरे चने जो होते हैं, क्योंकि वो हरी अवस्था में हैं, इसलिए उसका प्रोटीन बड़ा सुपाच्य है, और वो जो है उसमें मिनरल विटामिन भी बहुत है। तो इस तरह के हरे मटर और हरे चने भी आप स्टीम करके आप खा सकते हैं। और सिंघाड़ा अगर आपके उस एरिया में कहीं मिलता है तो सिंघाड़ा यानी कि चेस्टनट, तो वो चेस्टनट भी जो है आप उसको किसी भी फॉर्म में, यानी कि चाहे तो रोटी के फॉर्म में खा लें आप, यानी तो उसको आप किसी तरह और किसी सब्जी में थोड़ा सा डाल दें, जैसे भी उसका जैसे भी उपयोग करना हो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जितने भी प्रकार के जो रूट्स होते हैं ना, इवन जैसे साबूदाना है, वो भी रूट से बनता है, पर साबूदाना चूंकि रिफाइंड होने के कारण मैं ज़्यादा रिकमेंड नहीं करता, पर ओकेजनली कभी साबूदाना भी इस्तेमाल करना है, साबूदाना की खिचड़ी बनती है इंडिया में खास तौर पर, तो फिर आप उसको भी इस्तेमाल कभी कभार कर सकते हैं। और जितने भी रूट से बनी हुई चीज़ें, यानी कि जो जमीन से निकली हुई जो स्टार्चेस होती हैं, उससे बनी हुई चीज़ें जो होती ना, वो उसमें जो है प्रोटीन कम होता है, और उसका सुपाच्य कार्बोहाइड्रेट होता है, और उसमें मिनरल और विटामिन ज़्यादा होते हैं, इसलिए हम उसको प्रधानता दे सकते हैं। और अगर अनाज में अगर आपको थोड़ा आगे बढ़ना है, तो अनाज में ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आपकी आपको लगता है कि आपका इसे पेट नहीं भरता और अनाज आपको खाना भी पड़े, तो आप जितने भी प्रकार के ब्राउन राइस है, यानी कि जो चावल पॉलिश नहीं हुए,
ऐसे चावल, देखिए नहीं चावल मिला ब्राउन राइस तो ठीक है, अभी नॉर्मल चावल भी इस्तेमाल कर लो, लेकिन फिर भी कोशिश करें कि आप हैंड पाउंडेड यानी तो फिर आप ब्राउन राइस का इस्तेमाल करें। तो ब्राउन राइस से रिलेटेड जितने भी चीज़ें होती है, जैसे पोहा है, इडली है, यानी तो वेजिटेबल खिचड़ी है, ऐसा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे रोटी खाने का मन है, तो आप है ना सिंघाड़े की रोटी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी तो आलू की रोटी भी खा सकते हैं। तो आलू की रोटी कैसे खानी है, आलू ज्यादा आटा कम, तो आटा सिर्फ खली बांधने के हिसाब से आपको थोड़ा जोड़ना होता है 20%, बाकी 80% उसमें आलू रहना चाहिए। तो आलू की रोटी भी बड़ी स्वादिष्ट होती है, तो आप उसको खा सकते हैं, ठीक है। और जो जो सामा राइस है, जैसे सामा राइस भारत में जो उपवास के दरमियान खाते हैं, वो सामा राइस भी आप खा सकते हैं, आप किनुआ भी खा सकते हैं, और साथ साथ में जो मुरमुरे जिसको कहते हैं पफ्ड राइस, आप वो पफ्ड राइस भी जो है कभी कभार खा सकते हैं, और आप मखाने भी खा सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों अब आपके आपके पास बहुत सारे खाने के सोर्सेस आ गए। हाँ, अगर आपको कभी कभार रोटी की अगर कभी तलब हो जाए, मैं जानता हूँ आप परिवार में रहते हैं तो आपके रोटी की सुगंध या उससे ना आपके अंदर एक तलब आ जाती है, तो उस तो कभी कभार सप्ताह में एक रोटी करारी पापड़ की तरह सेक कर उसको खाखरा बनाकर अच्छी तरह चबा कर सिर्फ एक रोटी जो है आप कभी कभार खा लें इस तरह से। तो दोस्तों यह ना एक आर्ट ऑफ ईटिंग है किडनी के लिए, जिसे किडनी पर कहीं से भी कोई हाई स्टार्च या हाई प्रोटीन या हाई फैट का कोई बोझ नहीं है। इसलिए अब क्या होगा, अब किडनी को सही माल मिलने के कारण अब वो बहुत जल्दी जल्दी जो है ना अब वो रिकवर करेगी। अच्छा, अब इसमें जूसेस कौन कौन से ले सकते हैं वो जरा ध्यान से सुन लें कि देखिए जो मीठे जूस होते हैं फलों में, वो सिर्फ गन्ने का रस या कभी कफड़ा एप्पल का रस, जो मीठे हैं यानी कि लीची का रस, तरबूज का रस, इस तरह के जो मीठे फल है, बेल का शरबत, इस तरह के मीठे फलों का रस आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर इसमें वेजिटेबल जूस ज्यादा अच्छे काम करेंगे, जैसे गाजर का जूस है, गाजर में बहुत थोड़ा चुकंदर भी डाल सकते हैं, ज्यादा चुकंदर नहीं डालना चाहिए, और व्हाइट पेठे का जूस है, लौकी यानी कि घिया का जिसको दूधी भी कहते हैं उसका जूस है, ऐसे तो इस तरह के बहुत सारे जो वेजिटेबल्स हैं, और इवन मिक्स वेजिटेबल जूस भी पी सकते हैं। तो मिक्स वेजिटेबल जूस में आप थोड़ी सी हरी पत्तियां ले सकते हैं, पालक सलाद की पत्ती, पत्ता गोभी, धनिया पुदीना, करी पत्ता, और बाकी मैक्सिमम जो है उसमें घिया, खीरा, टमाटर और एक आधा उसमें टमाटर बस डाल सकते हैं। तो इस तरह से आप उसमें काला नमक और जीरा डालकर थोड़ा वो मिक्स जूस भी आप पी सकते हैं इस तरह से। दोस्तों अब ये कैसे बनाना, क्या करना, ये तो आपको हमारे YouTube के अंदर वीडियो है इसके बारे में, ग्रीन जूस कैसे बनाना चाहिए वो मैंने आपको दिया हुआ है, वो आप देख लीजिए। और अगर आपको लगता है मुझे सूप पीना है, तो फिर वेजिटेबल सूप, कॉर्न सूप, और मूंग की दाल उबालकर मूंग का सूप, काले चने का सूप, ये थोड़ा थोड़ा ये अलग अलग तरह के जो सूप्स होते हैं ना, आप इन सूप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन चावल की जो मांड होती है ना, ब्राउन राइस की जो मांड बनती है, उसका भी सूप आप जो है ले सकते हैं, पर उसकी मात्रा जो है कम होनी चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं ना कि किडनी में 1000 ml से ज्यादा लिक्विड लेने की उसमें जो है इजाजत नहीं दी जाती। तो इसलिए आपको जूस मैक्सिमम से मैक्सिमम दिन में 2 बार पीना चाहिए। और एक बात ध्यान में रखें, क्योंकि आप इस तरह का आहार ले रहे हैं, तो आपको पानी पीने की झंझट ही नहीं है, पानी की इच्छा भी नहीं होती, पर फिर भी पानी पीना पड़े तो घूंट घूंट आपको पानी पीना चाहिए। और पानी की क्वालिटी में भी ये ध्यान रखना है आपको कि पानी जो हम पीते हैं वो पानी जो है उसमें कहीं किसी प्रकार के कोई मिनरल्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि पानी जितना हो सके सिर्फ सिंपली फिल्टर्ड होना चाहिए। आरओ वाटर तो खतरनाक है, उसको तो बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। आप जहां तक हो सके सिंपल फिल्टर्ड वाटर पिएं, और कुछ भी समझ में ना आवे ना दोस्तों, तो अपना पानी मटके में भर दें, और मटके के अंदर एक सिल्वर कॉइन यानी तो एक कॉपर का कॉइन रख दें, जो हर बार जब पानी भरते तो उसको धोकर फिर दोबारा डाल दिया करें। तो इस तरह से आपका जो पानी है वो पानी को मटके में रखकर भी अगर आप पिएंगे तो थोड़ा उसमें ऑक्सीडेशन हो जो उसका हो जाएगा, और उसके कारण जो है वो उसमें एक अलग से उसकी गुणवत्ता डेवलप हो जाती है। इस तरह से दोस्तों आप अपने खान पान को थोड़ा चेंज कर सकते हैं। अब जो मैंने बताया
इसके अलावा और कोई आहार की चर्चा भी नहीं करना, बात भी नहीं करना। ध्यान रखना, जो तुम नॉर्मल रोटी दाल चावल दूध दही पनीर ब्रेड बिस्किट खाते थे ना, इन सबको कुछ महीनों के लिए प्लीज भूल जाना। दोस्तों देखिए, विषय बहुत लंबा चौड़ा है, वीडियो आपने देखा काफी लंबा होता जा रहा है, लेकिन मैं जानता हूं कि आपको लाभ मिलेगा तो आप इसको जरूर सुनोगे। लेकिन अब मैं अगले वीडियो में आपको मैं फिर बताऊंगा कि अब दूसरे और क्या ट्रीटमेंट इस्तेमाल किए जाए जिससे आपकी किडनी जल्दी दुरुस्त हो जाए। चलिए मैं अगले वीडियो में मिलता हूँ।